अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 ऑफ एक्सरसाइज 1C। फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वाई इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल्स। अगर आपको याद हो तो एक्सरसाइज 1A में भी इस तरह के कॉपी एंड कंप्लीट द टेबल वाले क्वेश्चंस थे, ठीक है। ये उसी तरह से होगा, उसी तरह से हम इसके इक्वेशंस बनाएंगे और ये जो हमें वैल्यूज़ मिसिंग हैं, कहीं पे एक्स की वैल्यू, कहीं पे वाई की वैल्यू नहीं गिवन है, ये हम फाइंड आउट करके इस टेबल को फिल करके कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना सॉल्यूशन। स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 10 पार्ट ए ऑफ एक्सरसाइज 1C। देखिए, ये टेबल मैंने पार्ट ए का कॉपी किया है, आप भी क्वेश्चन में टेबल को कॉपी ज़रूर करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये जो मिसिंग वैल्यूज़ हैं इनको कैलकुलेट करके हम इसमें टेबल में फिल करते जाएंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, वाई इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, ठीक है। अब इस प्रोपोर्शन की साइन को हम चेंज करते हैं इक्वल टू में बाय पुटिंग अ कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो के अपॉन एक्स, ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 1। अब हम, आपको पता है, k मालूम करने के लिए वो वैल्यूज़ यूज़ करते हैं जो टेबल में हमें x और y दोनों गिवन होते हैं। देखिए, कहाँ पे हमें x और y दोनों गिवन है, यहाँ पे। यहाँ पे हमें x की वैल्यू भी गिवन है और y की वैल्यू भी गिवन है। तो हम x3 और y4 को यूज़ करेंगे फॉर फाइंडिंग k, ठीक है। तो हम काम कर रहे हैं अभी फॉर k, बट x इज इक्वल्स टू 3 एंड y इक्वल्स टू 4 इन इक्वेशन 1। वाई की जगह पे मैं रख देती हूँ 4, के ही रहेगा, और एक्स की जगह पे मैंने क्या रखा, एक्स की जगह पे मैंने रख दिया 3। तो ये 3 इधर इक्वल टू के दूसरी साइड पे जाके 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 से मल्टीप्लाई हो रहा है जाके 3 इक्वल्स टू के, और के इक्वल्स टू 12। ये हमने फाइंड आउट कर ली है के की वैल्यू, 12। पुट के इक्वल्स टू 12 इन इक्वेशन 1, और उसके मुताबिक क्या हो जाएगा, वाई ही रहेगा, के की जगह पे हम 12 पुट करेंगे, वाई अपॉन 12 अपॉन एक्स। ये बन गई इक्वेशन नंबर ए, ठीक है। अब हम इस इक्वेशन को यूज़ करते जाएंगे एक एक वैल्यूज़ के लिए। पहली वैल्यू हमें जो टेबल में गिवन है, वो गिवन है फॉर वाई इक्वल्स टू 24, हमें x फाइंड आउट करना है, यही इक्वेशन हम यूज़ करेंगे, y इज़ इक्वल्स टू 12 अपॉन एक्स। वाई की जगह पे क्या रखेंगे, 24, हमने ये रखा 24। अब हम इस x को कैलकुलेट करने के लिए करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई। क्रॉस मल्टीप्लाई करने के लिए पहले आप ले जाइए x को 24 के पास, ठीक है। अब हमें x फाइंड आउट करना है, तो जो भी नंबर x के साथ है उसे ले आइए इक्वल टू की दूसरी साइड पर। तो x इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 24, दैट इज़ 1 अपॉन 2। 12 के टेबल से डायरेक्ट कैंसिल किया है, 12 वन ज़ा 12, 12 टू ज़ा 24, और ये 1 अपॉन 2 का क्या मतलब है, x इज इक्वल्स टू 0.5, ठीक है। ये हमने x की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। नेक्स्ट वैल्यू जो हमें टेबल में गिवन है वो है x इज इक्वल्स टू 2, इसके लिए हमें y नहीं पता, तो हम काम कर रहे हैं फॉर x इज इक्वल्स टू 2 यूज़ कर रहे हैं वही इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x। इस बार हम x की जगह पे ये वैल्यू पुट कर देंगे जो हमें 2 गिवन है, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन 2। 2 का टेबल पढ़ के इन दोनों को कैंसिल कर रहे हैं, 2 वन ज़ा 2, 2 सिक्स ज़ा 12, और y का आंसर आ गया हमारे पास 6, ठीक है। ये हमारी दूसरी वैल्यू भी कैलकुलेट हो गई। फॉर x इज इक्वल्स टू 2.5, ठीक है। अब हम इस 2.5 के लिए अगेन y को कैलकुलेट करेंगे, तो इक्वेशन वही रहेगी, y इज इक्वल्स टू 12 अपॉन x, x की जगह पे रख देंगे 2.5। अच्छा, आप लोग डेसिमल से घबराया नहीं कीजिए, डेसिमल को हम सिंपल फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हम इस पॉइंट को रिमूव करेंगे। अभी ये पॉइंट कहाँ मौजूद है, डिनोमिनेटर में, तो पॉइंट को रिमूव करने की वजह से जितने डिजिट पॉइंट के बाद मौजूद होंगे उतने ही ज़ीरो ऊपर न्यूमरेटर में जाएंगे। तो हम डिनोमिनेटर से पॉइंट को रिमूव कर रहे हैं, पॉइंट के बाद डिजिट था 1, तो हमारा 1 0 चला गया न्यूमरेटर में। तो अब अगर इसको मैं दोबारा से लिखूँ तो ये क्या बन गया है, 120 अपॉन 25। आप इसे चाहें तो 5 के टेबल से कैंसिल कर सकते हैं, तो 5 से कर रही हूँ, 5 5 ज़ा 25, और 5 2 ज़ा 10, 12 का 10 निकल गया तो 2 गया, इस 0 के साथ ज्वाइन हुआ, तो 5
फोर ज़ा 20। अब ये 24 और 5 मज़ीद कैंसिल नहीं होंगे, इनके लिए हमें करनी पड़ेगी रफ़ कॉलम में कैलकुलेशन। जी, रफ़ कॉलम होता है हमारे राइट हैंड साइड ऑफ द सॉल्यूशन पे, जहाँ पे भी हम सॉल्यूशन कर रहे होते हैं उसके राइट हैंड साइड पे हम रफ़ कॉलम बनाते हैं। यहाँ पे हम मैं आपको इसकी डिवीजन करके दिखा रही हूँ। ये जो न्यूमरेटर आया हमारे पास 24, ये आ जाएगा ब्रैकेट के अंदर, और डिनोमिनेटर जो है यहाँ पे है 5, तो वो आ जाएगा ब्रैकेट के बाहर। अब हम इस 5 से 24 को कैंसिल करेंगे। 5 का टेबल कहाँ तक पढ़ सकते हैं? 20 तक पढ़ सकते हैं। 5 4 20। अब उसके बाद ये बचा 4, जो कि है 5 से छोटा, तो हमें एक ज़ीरो चाहिए यहाँ पे। उसके लिए हम यहाँ पॉइंट लगाएंगे आंसर में, और यहाँ पे मिल जाएगा हमें 0। 5 8 40, तो ये पूरा कैंसिल हो गया। और आपके पास y का आंसर क्या आया है? y का आंसर आया है, जो यहाँ पे कोशेंट आता है वो आपका आंसर होता है, तो y का आंसर आया है आपके पास 4.8। ठीक है, सिमिलरली हम कैलकुलेशन करेंगे अपने आखिरी पार्ट के लिए। y गिवन है हमें 1.5, x हमें फाइंड आउट करना है। इक्वेशन वही यूज़ होगी, y इज़ इक्वल्स टू 12/x। इस बार y की जगह पे क्या रखेंगे? 1.5, और हमें x फाइंड आउट करना है, तो x को ले जाएंगे इक्वल टू की दूसरी तरफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1.5 इंटू एक्स, और ये 1.5 जो x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है ये आ जाएगा इक्वल टू की दूसरी तरफ, तो डिवाइड हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू 12/1.5। अगेन मैंने आपसे जैसे कहा है, हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में चेंज करके फिर इसकी कैलकुलेशन करेंगे। तो अगर मैं ये पॉइंट रिमूव करूँगी, तो यहाँ पे पॉइंट के बाद एक डिजिट है, ये एक डिजिट चला जाएगा न्यूमरेटर में 120, और ये क्या बन जाएगा? 120/15। तो मैं इसे डायरेक्ट 15 के टेबल से भी कैंसिल कर सकती हूँ, और क्योंकि आप क्लास 8 में हैं, हम इसे डायरेक्ट 15 के टेबल से कैंसिल करेंगे। 15 1 ज़ा 15, 15 8 ज़ा 120। ठीक है, तो ये हमारे पास डिनोमिनेटर जो है पूरा कैंसिल हो गया है। तो एक्स का आंसर क्या आया है यहाँ पे? एक्स का आंसर आया है 8। और इस तरह से हमने तमाम टेबल की जो मिसिंग वैल्यूज़ थी उन्हें कैलकुलेट कर लिया। कैलकुलेशन हो गई कंप्लीट। अब हम इस करेंगे टेबल को फिल। y 24 पे एक्स था आपका 0.5, एक्स जब 2 था तो y आया था 6, एक्स जब 2.5 था तो y था 4.8, एक्स जब 1.5 था तो y जब 1.5 था तो x आया था 8। अब आप ज़रा इस टेबल में एक चीज़ नोटिस कीजिए, जैसे जैसे x की वैल्यू बढ़ रही है y की वैल्यू कम हो रही है, या अगर आप इस तरह से देखें तो इधर y बढ़ रहा है तो इधर x कम हो रहा है। इसी रिलेशनशिप को कहते हैं इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, कि एक क्वांटिटी के बढ़ने से दूसरी क्वांटिटी डिक्रीज हो, या दूसरी क्वांटिटी के कम होने से पहली क्वांटिटी इंक्रीज हो रही हो, ये कहलाता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल।